टीचर किसने बनाया?
गया। मेरी आवाज उबर जाती है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये शुरू करें, लोग जो जुड़ गए। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتاب التوحيد کا ہم نے पहला चैप्टर शुरू किया था गुज़श्ता दरस आपके साथ। उसका कोई उन्वान नहीं था, किताबुत तौहीद ही उसका उन्वान था। वो बाब गोया तमहीदी तौर पर लाया गया और बताया था कि तौहीद कहते हैं अल्लाह सुबहानहु व तआला को उसकी इबादत में अकेला समझना, अकेला गर्दानना और अल्लाह सुबहानहु व तआला की बिला शिरकत गैर इबादत करना, अल्लाह ताला को उसकी इबादत में एक समझना तौहीद। क्योंकि अंबियाए किराम का अपनी कौम से झगड़ा इबादत के अंदर ही था। अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह के रब होने में, खालिक मालिक होने में कोई इख्तिलाफ नहीं था और न ही अल्लाह ताला के नामों और सिफतों में कोई बड़ा इख्तिलाफ था। इख्तिलाफ सिर्फ इबादत के अंदर था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जो अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ करते हैं लेकिन इबादत की बहुत सारी किस्में, तवाफ़ हो, रुकू और सजदा हो, इसी तरीके से नजर नियाज हो, दुआ हो, तवक्कुल हो, भरोसा हो, गैरुल्लाह से या गैरुल्लाह के लिए करते हैं या गैरुल्लाह पर करते हैं या उनके लिए इबादत की इन शक्लों को बजा लाते हैं और शिर्क और कुफ्र अकबर का इर्तिकाब करते हैं। बताया था कि तौहीद की तीन किस्में हैं। अगर तफसील से समझना चाहे तो तौहीद रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत कहते हैं कि अल्लाह ताला को उसके अफ़ाल में जो वो करता है, जैसे पैदा करना, रोजी देना, जमाने की तदबीर चलाना, मारना, जिलाना, इज्जत इज्जत देना, सारा निज़ाम जो अल्लाह ताला का है उसके अफ़ाल में उसको अकेला समझना। और तौहीद उलूहियत कहते हैं कि अल्लाह को बंदगी में अकेला समझना, इसको तौहीद इबादत भी कहते हैं। और तौहीद अस्मा व सिफात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो नाम और सिफात अपने बयान किए हैं कुरान और हदीस में, उन पर ईमान लाना और उनकी हकीकत का इल्म अल्लाह को सपोर्ट करना, कैसा है उसका हाथ, कैसे वो हंसता है, कैसे गुस्सा होता है, ये कैसे का सवाल हाउ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ है उस पर ईमान रखना, न उसकी तावील करनी है न ही अल्लाह ताला के किसी नाम और सिफात का इनकार करना।
ये तौहीद की तीन किस्में थी। बाद उलमा ने तौहीद की दो किस्में की है। एक किस्म वो है जिससे अल्लाह ताला की मारिफत लाजिम हो, समझ में आवे और अल्लाह ताला का वजूद साबित हो, तौहीदुल मारिफा वल इस्बात। ये तौहीद रुबूबियत और तौहीदुल अस्मा व सिफात से हासिल होता है कि अल्लाह साबित है, अल्लाह मौजूद है और उसके अफ़ाल का इल्म हमको होता है, उसके नामों और सिफतों के जरिए उसकी पहचान होती है। तौहीदुल मारिफा वल इस्बात यानी ऐसी तौहीद जिससे अल्लाह की पहचान। और दूसरी किस्म है तौहीद तलब वल कस्द, यानी तलब आपकी और आपका कस्द और इरादा सिर्फ अल्लाह होना चाहिए, यानी जो काम भी करे सिर्फ अल्लाह की रजा खुशी के लिए करे, जो भी दुआएं मांगे सिर्फ अल्लाह से मांगे। इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। तो चाहे आप उसको तौहीद की तीन किस्में तफसील से करें या तौहीद की दो किस्में करें, वो दो किस्में तीनों किस्मों को शर्त है। तौहीद की तारीफ या तो आप इस तरह करें कि अल्लाह को उसकी रुबूबिया में, उसकी इबादत में, उसके अस्माउ और सिफात में एक जानना, या सिर्फ मुख्तसर में ये कहें कि अल्लाह सुब्हानहु तआला को उसकी बंदगी में एक अकेला जानना। तौहीद जब हम इतनी इब्तदाई और तमहीदी गुफ्तगू पीछे पड़ चुके हैं जिसका मैंने अभी खुलासा कर दिया कि आपके जहन में बात पुख्ता हो जाए, और इन चीज़ों को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में इशारे की जो तौर पर नोट भी कर लें दर्स के दरमियान या दर्स से फारिग होने के फौरन बाद, ताकि आप उसका मुराजिया करते रहे, टाइम टू टाइम रिवाइजेशन आप पर चलता रहे। बहरहाल इस किताब तौहीद के अंदर कई आयात और हदीस मुअल्लिफ ने जिक्र की है, तो हम पहली आयत देते हैं चंद जो इस बाब के अंदर चंद आयत मुअल्लिफ ने जिक्र की है। उसमें पहली आयत है सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 जो मशहूर आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियबूद। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्न इंस को मगर सिर्फ अपनी बंदगी के लिए, यानी जिन्न इंस को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी बंदगी, खालिस अल्लाह की बंदगी करे, यानी अल्लाह की बंदगी में किसी दूसरे को शरीक न करे। तौहीद के लिए उनको पैदा किया, बंदगी को अल्लाह के लिए खालिस करने के लिए पैदा किया, शिर्क के लिए हमने उनको पैदा नहीं किया। और बताया था कि जो खालिक है वही इबादत के लायक है, तो खालिक चूंकि अल्लाह है इसलिए बंदगी के लायक। तो आप ये समझे कि इंसो जिन की पैदाइश की गर्द अल्लाह ताला ने इस आयत में बताई। इस सवाल का जवाब कि इंसो जिन की तखलीक अल्लाह ने क्यों फरमाई, क्यों इंसो जिन को वजूद बख्शा, तो इसलिए वजूद बख्शा कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी, खालिस अल्लाह की बंदगी के लिए, तौहीद के लिए, क्योंकि खालिस अल्लाह की बंदगी का नाम तौहीद है। तो आप उसको कहिए कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किए गए या अल्लाह की तौहीद के लिए पैदा किए गए, बात बड़ा पड़े, क्योंकि खालिस बंदगी को ही तौहीद कहते हैं और तौहीद कहते ही अल्लाह के लिए बंदगी को खालिस करना, दोनों एक ही चीज। गोया के हमारी आपकी पैदाइश का मकसद जिन्न इंस की तख्लीक है। ये जो है माँ और इल्ला, नहीं पैदा किया मगर, ये कसर और हसर के लिए, किसी चीज के ऊपर जोर देने के लिए है, कोई और मकसद नहीं, सिर्फ एक मकसद। जैसे कोई कहे मा कामा इल्ला ज़ैद, नहीं खड़ा हुआ मगर ज़ैद, अगर कोई ये कहे कि नहीं खड़ा हुआ मगर ज़ैद, इसका मतलब ये कि ज़ैद के अलावा कोई खड़ा नहीं, खड़े होने की सबसे आपने नफी किया। तो ये अरबी जुबान में किसी भी चीज को ताकीद करने के लिए और किसी चीज को किसी एक के लिए खास करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया, माँ और इल्ला। माँ नाफिया है, नहीं, नफी का माने नहीं, और इल्ला माने मगर। तो पहले सब चीज की नफी कीजिए, उसके बाद साबित, माँ खलक़तुल जिन्न, नहीं पैदा किया हमने इन जिनको किसी और मकसद के सिवाय एक मकसद के, और वह अल्लाह ताला की खालिस। इसको अरबी की ताबीर में कहते हसर, हसर यानी किसी चीज को किसी के साथ महसूर कर देना, महसूस कर देना। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है और हम इसी मखसूस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के लिए पैदा किए हैं। ये लाम जो है ले आबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करें, ताकि बंदे मेरी इबादत करें, इन सुजिन मेरी इबादत करें। ये लाम तालीलिया इल्लत को बताता है, इल्लत माने गर्ज़ो गायत, पैदाइश का रीजन क्या है, मकसद क्या है, गर्ज़ो गायत क्या है, उसको बताने के। अब जो इस गर्ज़ो गायत को पूरी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह ताला से अजर सवाब पाएगा, दुनिया में भी अच्छा ही पाएगा, आखिरत में भी अच्छा ही पाएगा। मन अमिना सालिहन मिन ज़करिन अव उन्था वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला फरमाता है कोई भी मर्द या औरत अल्लाह पर ईमान रखते हुए अगर नेक अमल करता है
यानी खालिस बंदगी करता है, अल्लाह ताला की तौहीद पर मबनी इबादत करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इबादत करता है, तो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसकी दुनियावी जिंदगी को भी पाकीजा कर देता है और आखिरत में उसके अमल का बेहतरीन अजर पाता है। बहरहाल जिन और इंस की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की खालिस बंदगी। जिन जैसा कि हम जानते हैं ये एक गैबी मखलूक है, जो हम उसको उसकी शक्ल में देख नहीं सकते, अल्लाह ताला ने उसको हमसे छुपा रखा है, मख्फी मखलूक है, पोशीदा रहने वाली मखलूक, मुख्तलिफ शक्लों में आती है, अल्लाह ताला इसके शर से बचाए, शयातीन के शर से बचाए। जिन के माने जो होता है लुगवी माने जो अरबी जुबान के अंदर है, अरबी लैंग्वेज के अंदर, वो ये है कि जो चीज़ छुपी हुई हो, मख्फी हो, मुस्तर हो, पर्दे में हो, जो चीज़ देखी ना जाती हो, उसको कहते हैं जिन। इसी से जिन्नात है या जिन है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते उसकी शक्ल। और इसी तरीके से जनीन है, जनीन जो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा है, उसको नहीं देखते हैं। तो जन्म जिन माने तारीखी, इसी से जन्नत है, इस कदर घनेरी होगी, इस कदर हरी होगी कि लगेगा कि साहब बिल्कुल रात के जैसा मामला है, ठंडा ठंडा मामला है, बिल्कुल जो साया होता है, इस कदर घने बागात होंगे कि कोई किसी को देखेगा इस तरह का, जैसे घने बागात के अंदर आदमी हो। तो बहरहाल जन्नत हो या जिन हो या जनीन हो, जो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा है, और रात को भी अल्लाह ताला का फलम जन्न अलैहिल जब इब्राहिम के लिए रात तारीख हुई, रात तारीख हो। तो जिन एक गैबी दुनिया है जो हमसे पोशीदा है, और इंस इंसान उन्स से है, उन्स हम एक दूसरे से मानूस होते हैं। आदमी तन्हाई में बड़ी वहशत महसूस करता है, आदमी जब अपने हम जिन्सों के साथ बैठता है तो तबीयत उसकी बहलती है, तो इससे इंस है, क्योंकि ये अकेले जी नहीं सकता, ये जंगली जानवर नहीं है, इंसान आपस में एक सोसाइटी होती है, इंसान जिसको सोसाइटी की जरूरत होती है वही इंसान। कहने वाले ने कहा, फलासफा का पुराना कौल है कि जिसको सोसाइटी की जरूरत ना हो वो जंगली जानवर हो सकता है, इंसान तो बहरहाल कुछ और हो सकता है लेकिन इंसान बहरहाल। तो ये इंसान उन्स और मवद्दत से एक दूसरे से हम लोग एक दूसरे के साथ जीते हैं तो सुकून महसूस करते हैं, मोहब्बत महसूस करते हैं। बहरहाल तो इल्ला लियाबुदून समझ चुके, उसकी तफसीर बाद उलमा ने कहा इल्ला लियुवहिदून, ताकि बंदे अल्लाह ताला की तौहीद पर आ जाए। तो तौहीद खालिस बंदगी का नाम है, और खालिस बंदगी करना ही तो जैसा कि बताया। बहरहाल अगर इंसान की पैदाइश की अगर वो गायत न होती तो फिर अंबियाए किराम क्यों भेजे जाते, किताबें आसमानी क्यों नाजिल होती, किताबें आसमानी क्यों नाजिल होती, या आसमानी कुतुब मुख्तलिफ अंबिया के ऊपर क्यों होती, तो फिर हम में और बहाइम में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। तो अल्लाह ने हमको पैदा किया, हमें अक्ल अता फरमाई, जिस अक्ल से बहाइम महरूम है, और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को इंसानों ही में से, जिस कम्युनिटी की हिदायत के लिए भेजा उसी में से अल्लाह ताला ने किसी अपने मखसूस बंदे पर फैजा ने नबूवत फरमाया, रिसालत फरमाया, और अपना कलाम उतारा, अपनी वही उतारी, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उतारा, आसमान से किताबें अल्लाह ने उतारी। मकसद क्या था? अगर ये मकसद इबादत का नहीं होता तो फिर हम में और भाई में चौपाई में क्या फ़र्क है? तब तो फिर हमारी जिंदगी का मकसद खाना पीना और हिलाक हो जाना, जैसा कि आदमी समझता है। चलो ये दहलिया किस्म के लोग होते हैं जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते, जैसे दरख्त होता है कि ऊपर पड़ता है, जवान होता है, फिर एक वक्त आता है कि लोग उसको काट के जलावन के काम पे ले आते हैं, तो ये तो मकसद हमारा नहीं। बहरहाल इबादत किसको कहते हैं? इल्ला लियाबुदून इबादत, इबादत के माने अब्द, और इबादत कहते हैं जिल्लत और खारी अख्तियार करना, आजजी और फरोतनी तवाज़ो अख्तियार करना, अल्लाह ताला के सामने जिल्लत अख्तियार करना। जो जितना अल्लाह ताला के सामने अब अपने को जलील समझेगा, हकीर समझेगा, अल्लाह ताला उसको उतना ऊंचा उठाएगा। हम अब्द हैं, वो हमारा माबूद है, हमारा काम जिल्लत और फरोतनी आजजी अख्तियार करना, किबरियाई और बुजुर्गी और बर्तरी अल्लाह के लिए जिम्मा है। ये लुगवी माना हुआ अरबी जुबान, अब इबादत का मन तजल्लुल और तजर्रु और आजजी और जिल्लत खारी अख्तियार कर। और इबादत शरीयत में कहते हैं
अल्लाह सुबहानहु व तआला की इताअत करना, उसके हुक्मों को बजा लाना और उसकी मना करदा चीज़ों से बाज रखकर खिदमत और अपनी बंदगी का अभी अपनी ओबीडियंसी का सबूत देना, अल्लाह के अवामिर को बजा लाकर और उसकी मना करदा चीज़ों से बाज रखना। अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उसको अमर कहते हैं, जिसके में अवामिर आती है। अवामिर को बजा लाना यानी अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना जिनका ताल्लुक करने से है, और नवाही नहीं की जमा नवाही अल्लाह ताला की मना करदा चीज़ों से रुकने का नाम, इसलिए कहा जाता है अवामिर को बजा लाना और मनहियात से या नवाही से यानी अल्लाह रसूल की मना करदा चीज़ों से बात रहे। तो इबादत इस्तेलाह में किसको कहते हैं, ये तज़ल्लुल लिल्लाह ताला बिताअत, तज़ल्लुल लिल्लाह ताला बिताअत, अल्लाह के लिए इताअत के जरिए ज़िल्लत इख्तियार करना, अल्लाह के सामने इताअत के जरिए अपनी ज़िल्लत व खारी का इजहार करना, कैसे, उसके हुक्मों को बजा लाकर और उसकी मना कर दी चीज़ों से बात। इताअतुल्लाह ताला अल्लाह की इताअत करना, बिम्तिसाल अवामिर ही वज्तनाबी नवाही, उसके हुक्मों को बजा लाकर और उसकी मना कर दी चीज़ों से बात। चलिए दूसरी आयत जो इस बाब में लाए हैं वो नबियों और रसूलों के भेजे जाने की गर्ज व गायत के तल्लुक से। पहली आयत में तो इंसान के भेजे जाने की गर्ज व गायत बताई, इंसान को पैदा करने की, वजूद बख्शने की गर्ज व गायत है, अल्लाह की बंदगी का तौहीद मकसद है हमारा, हमारी तखलीक का। अगर हम अल्लाह सुबहानहु तआला के ऊपर ईमान और यकीन नहीं रखते और अल्लाह तआला उसके उसके सिफात में, उसके अफ़ाल में और उसकी इबादत में उसको अकेला नहीं जानते हैं, तो हम गोया के अपने मकसद वजूद से गाफ़िल या अपने मकसद वजूद से भटके हुए हैं, राह से भटक चुके हैं। दूसरी आयत जो है इसका अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की बेसत से है कि उनको अल्लाह ताला ने क्यों भेजा देता है। फरमाया ये आयत सूरह नहल की आयत नंबर 36 है, वलकद बअसना, इसमें वाव है, लाम है, काफ कद है, ये तीनों ताकीद के लिए, वाव कसमिया है, कसम खाया गया, इससे पहले जुमला कसमिया कसम का लफ्ज महजूफ है, लाम ताकीद के लिए, कद भी ताकीद के लिए, या तीन तीन ताकीद है कलाम के। किस बात पर अल्लाह ने इतनी ताकीद की है, बासना फी कुल उम्मत रसूल, हमने हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई रसूल भेजा, उन्हीं में से किसी को हमने रिसालत के लिए, नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया, उसके ऊपर अपना कलाम उतारा, अपनी वही नाजिल की, हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल आया, कोई उम्मत बगैर रसूल के खाली नहीं हुई, इन उम्मत इल्ला खला फीहा नज़ीर, नहीं कोई उम्मत गुजरी है मगर उससे डराने वाला ज़रूर आया, शिर्क से डराने वाला और तौहीद की बशारत देने वाला, अहले तौहीद को जन्नत की बशारत दे, इसलिए भेजा कि रसूल जाकर के दुनिया में कहें अनेबुदुल्लाह, अन तफसीरिया है, भेजे जाने की गर्ज क्या है उसकी तफसीर आगे है, उसकी तौज़ी आगे है, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी करो, वज्तनिबुत तागूत और तागूत से दूर भागो, जनब कहते हैं या इसी जनब के किनारा या जम माने किनारा, अगर तुम एक किनारे पर हो तो शिर्क दूसरे किनारे पर होना चाहिए, जिस तरीके से दो किनारे मिलते नहीं है कभी, इस तरीके से तुम्हारा शिर्क से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और इसी से जुनूबी है, जुनूबी जो आदमी जुनूबी होता है या मुहतलिम होता है तो इबादत से दूर रहता है, नमाज वगैरह से दूर रहता है, इसी उसको जुनूबी कहते हैं क्योंकि वो दूर रहता है। तो तुम एक किनारे पर हो और तागूत दूसरे किनारे पर, यानी शिर्क से परहेज करो, शिर्क से भागो, तुम्हारा शिर्क से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अंबिया को अल्लाह ने इसलिए रसूलों को भेजा ताकि वो दुनिया को ये पैगाम दे, अपनी कौम को पैगाम दे, अने अबुदुल्लाह, ये केस अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है, कोई माबूद नहीं है, यानी जिसकी भी इबादत की जा रही है वो सब तागूत है, अल्लाह के अलावा जिस किसी की भी बंदगी की जाए और वो अपनी बंदगी से राजी हो वो तागूत है। अब कुछ लोग अंबिया की बंदगी करें, कुछ बाद नेक बंदों की बंदगी करें जो सिर्फ लोगों को अल्लाह की तौहीद तरफ बुलाते थे, तो वो तागूत नहीं है क्योंकि उन्होंने दुनिया को तो शिर्क से मना किया है, तौहीद की दावत दी है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई पूज रहा है, कोई मरियम अलैहिस्सलाम की परस्तिश कर रहा है, कोई किसी अब्द सालेह की इमाम बुखारी की कब्र पर चादर चढ़ाया हुआ है, वहाँ नजर व नियाज चढ़ाता है, कोई इमाम अबू हनीफा की कब्र को सजाया हुआ है, कोई किसी और बड़े आलिम और मशहूर बुजुर्ग की कब्र पर पलथा मार करके बैठा हुआ है जब घटा लगा कर, हालांकि उन्होंने तौहीद की दावत शिर्क से मना कर दी, लेकिन वो तागूत नहीं है। तागूत वो है जिसकी लोग अल्लाह के अलावा बंदगी करें और वो शख्स अपनी बंदगी से राजी भी, दुनिया में जीते जी उसने कहा होगा कि आओ जाओगे हमारी खबर पर, हमको पुकारोगे,
हम अल्लाह ताला से दिलवा देंगे, हम अल्लाह से सिफारिश कर देंगे, या अल्लाह ताला हमको फजल फरमाएगा हम पर, हम ही देंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या दुनिया में लोग उसकी बंदगी कर रहे थे, उसका हुक्म मान रहे थे, अल्लाह रसूल के मुकाबले में उसकी इताअत कर रहे थे, जैसे काहिना और नजूमी लोग होते हैं, बस जो कह दिया उस पर अमल ना सकता। कोई बड़ा मौलवी होता है, एकदम वो जो कह दे उसको माने, उसके मुरीदान को देखिए बिल्कुल उससे हट नहीं सकते, पीरों के मुरीदों को देखिए, और ये सब देख रहा है कि वो हमको सजदा कर रहा है, वो देख रहा है कि साहब हमारे तलवे चाटता है, वो देख रहा है कि साहब हमारे लिए मड़ासी में बंदगी बजा रहता है जो चीज़ जायज़ नहीं है, रुकू और सजदा कर रहा है, और उससे भी लोगों को मना नहीं करता। इसका मतलब कि वो आदमी अपनी बंदगी से रहता है, चाहे वो काहिन और नजूमी की शक्ल में हो या ये के साथ बुत की शक्ल में हो, या फिर वो उमरा और उलमा जो अल्लाह ताला की इताअत से खुर्ज किए हुए। अगर इंसान हलाल और हराम का ऐसे लोगों को इख्तियार दे, चाहे हाकिम वक्त हो या आलिम आलिम हो, बहरहाल वो तागूत है, वो आलिम नहीं हो सकता। तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने बहुत अच्छा माना बताया कि आदमी आबिद है, इबादत करने वाला बनाया गया है, वो माबूद बन बैठा है, इताअत करने वाला बनाया गया है, वो मुता बन जाए कि उसकी लोग इताअत करें अल्लाह रसूल के मुकाबले में, ला इलाहा ताबे बनाया गया, पैरोकार अल्लाह रसूल का पैरोकार हो जाए, वो मतबू बना हुआ है कि उसकी पैरवी की जाने, और इससे वो राजी है, वो तागुत हुआ, या उसके मुरीदान, उसके इबादत गुजार, उसके फॉलोवर्स, उसके मुरीद लोग उसको माबूद का दर्जा दे, तो ये तागुत हुआ। बहरहाल तो तागुत आप ये कह सकते हैं कि बंदा अपनी हद को तागुत तुगयान से सरकशी फलम्मा तगल मा हमल्ला कुल फिजर, जब पानी अपनी हद से ऊपर बढ़ गया, तो यान इसी को सरकशी, आदमी जब अपनी हद से आगे बढ़ता है, कहते ये सरकशी पर तुला हुआ है, अपनी हद को पार करता है। तो इंसान की अपनी एक हद है, अल्लाह ने उसको ताबे बनाया है, इबादत बनाया, इबादत गुजार बनाया है किसका, अल्लाह का, इताअत गुजार बनाया किसका, अल्लाह उसके रसूल का, मुतबे और पैरोकार बनाया किसका, अल्लाह उसके रसूल की शरीयत का, अल्लाह की शरीयत का, लेकिन खुद माबूद बना हुआ है, खुद मतबू बना हुआ है, उसकी पैरवी की जा रही है, उसकी मुता उसकी इताअत की जा रही है अल्लाह रसूल के मुकाबले में, ये तागूत है। वो सबसे बड़ा तागूत शैतान है, क्योंकि वो सारे शिर्क की जड़ वही है, वो इसी लोगों को सता है गुमराह। बहरहाल तो कोई भी आदमी अगर अपनी बंदगी से खुश हो तो वो तागूत, लेकिन हजरत अंबियाए किराम या हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये तागूत नहीं हो सकते, अगरचे लोग उनको पूज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत दी। तो इसलिए ये शर्त जरूरी है कि जिसकी भी लोग इबादत करे, अल्लाह के अलावा जिसकी भी परस्तिश की जाए, इसमें ये शर्त लगा दी जाए, और वो अपनी बंदगी से राजी, वो चाहता हो कि लोग उसकी बंदगी करें, ये बात तो ये हुआ तागूत का माने, अल्लाह के अलावा जिसकी भी परस्तिश की जाए, या ये कहिए कि जिसके जरिए बंदा अपनी हद को पार करे, आबिद से माबूद बन जाए, मोती से मुता बन जाए, और मुतबे पैरोकार से मतबू बन जाए, तो उसकी पैरवी की जाए। तो कहा गया कि अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह के अलावा जो तागूत है उनकी बंदगी से परहेज, ये माना हुआ ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उबुदुल्लाह अल्लाह की बंदगी करो, यानी इल्लल्लाह का माना हुआ, वस्तलेबु तागूत तागूत से भागो, ये माना हुआ किसका, ला इलाहा का, जो जुमला है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, पहले नफी करो, सारे माबूदों की नफी करो, और उसके बाद साबित करो इबादत को, इसके लिए अल्लाह, पहले नफी उसके बाद इस बात वाले साबित करना, तो पहले नफी होनी चाहिए, क्योंकि तौहीद दो जुज है, जिसको रुकन कहते हैं, तो ऐसा सतून है कि उस पर तौहीद की इमारत खड़ी, क्या पहले तमाम माबूदों की नफी करो जिनकी भी परस्तिश की जा रही है, तमाम बातिल हैं उनकी नफी करो, और सिर्फ एक अल्लाह इलाह हक है, अल्लाह उसका साबित करो, तो बंदगी उसी का, नफी और इस बात, ये दो तौहीद के या कलमे के जुज रुकन है, रुकन कि जिसके बगैर वो चीज़ पाई नहीं जा सकती, जैसे नमाज के अंदर क़याम रुकन है, रुकू रुकन है, सजदा रुकन है ना, अगर कोई रुकू सजदा छोड़ दे तो नमाज नहीं, किसी एक रिकत में आदमी रुकू को भूल करके सजदे में चला गया तो सजदे से उठे रुकू करे फिर सजदा करे, बाद में दो सजदा सौ करे, अगर ऐसा नहीं करता है तो दूसरी रकत उसकी पहली रकत होगी, पहली रकत पाती, दूसरी जगत पहली जगत के कायम मुकाम, तो रुकन वो होता है जिसके बगैर चीज़ पाई ना जाए,
तो तौहीद पाया नहीं जा सकता जब तक कि आप नफी ना करें माबूद आने बात अल्लाह की, और एक माबूद हक अल्लाह सुभान व तआला के लिए ये बात तो साबित है। कोई कहे ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, माबूद नहीं है माबूद नहीं है माबूद नहीं है, ये तौहीद नहीं। और जैसे सूफी सब कहता है इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्ला इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाओ इल्लल्लाह इल्लल्लाह, और आगे बढ़ करके तो कहता है सिर्फ हुआ 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 वो हु 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 वो। क्या बात है, ये तौहीद का कलिमा है। अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों एक साथ होना चाहिए। ला इलाह तौहीद है, न इल्लल्लाह तौहीद, ये तभी तौहीद होगा जबकि ये दोनों जुज पाए जाए, नफी फिर इस बात। ला इलाह नफी हुई तागूस से पढ़ो, और इल्लल्लाह ये हुआ ओबुदुल्लाह अल्लाह की बंदगी। चलिए हम समझते हैं कि बात वाज़ेह हो गई। उम्मत का लफ्ज़ कुरान मजीद में कई माने में इस्तेमाल हुआ है, ये नॉलेज के लिए बता देते हैं। कहीं पर तो उम्मत का लफ्ज़ होता है इमाम के माने में, इमाम के माने में जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को कहा है इन इब्राहिम का उम्मत, इब्राहिम उम्मत यानी इमाम थे, लोगों के इमाम थे, तौहीद में इमाम थे, खैर के कामों में नमूना थे हमारे। बहुत सी सुन्नत को अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी जारी किया। और उम्मत के माने आता है मिल्लत, मिल्लत धर्म मजहब। इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिल मुश्रिकीन, कहते थे कि हमने अपने बाप दादा को एक मजहब पर पाया है, एक तरीके पर पाया है, एक धर्म पर पाया है, हम उसी की पैरवी करने वाले। और मिल्लत कहते हैं जमात को, समझा। और इसी तरीका से मिल्लत कहते हैं ये उम्मत को, उम्मत कहते हैं जमाने को। वद्दकर बाद उम्मत, सूरह यूसुफ में आया है आयत नंबर 45 में, वद्दकर बाद उम्मत, एक मुद्दत के बाद उसको याद आया। तो उम्मत के माने जमाना, उम्मत के माने इमाम, उम्मत के माने गुरोह, जैसे हर गुरोह में यहाँ इस्तेमाल हुआ ना कि कुल्ले उम्मत, हर गुरोह में हमने रसूल भेजा, हर उम्मत माने हर गुरोह में, और उम्मत के माने इमाम। तो इमाम गुरोह मिल्लत और जमाना। बहरहाल खुलासे के तौर पर अंबिया और रसूल के भेजे जाने की गर्ज व गायत क्या है, अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाना, खालिस बंदगी की दावत देना और अल्लाह के अलावा की बंदगी से रोकना। अंबिया और रसूल की रहमत है, इंसानियत के लिए रहमत है, इंसो जिन के लिए रहमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलना के इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यहां भी देखिए मा और इल्ला, नफी और इस बात, नहीं मगर, एकदम कलाम में जोर पैदा करने के, इससे ज्यादा जोर हो ही नहीं सकता। वमा अरसलना के इल्ला, ए नबी हमने नहीं भेजा है आपको मगर जहान वालों के लिए रहमत, यानी आप सरापा रहमत है। तो नबी को अंबिया और रसूल का भेजा जाना सरापा रहमत, जिब्रील अमीन की आमद है, अल्लाह के कलाम का नुज़ूल होता है। और एक और वजह भी है कयामत के दिन हमारी हुज्जत खत्म करना, ताकि हम ये ना कह सके, गलतफहमी ना करें कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तौहीद की दावत देने वाला कोई नहीं आया था। तो अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी है, आपके लिए कोई उज्र नहीं छोड़ा है कि आप उज्र पेश कीजिएगा। मा जाअना मिन बशीरिन वला नदीर, हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, बशारत देने वाला नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाता है वो रुसुलन मुबशिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जा, ये सूरह निसा की आयत है, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रुसुल, सूरह निसा आयत नंबर 165 है। अल्लाह फरमाता है कि हमने रसूलों को भेजा है बशारत देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर, यानी शिर्क के अंजामे बसे, गुनाह के अंजामे बसे डराने वाला बनाकर, और तौहीद और ईमान अमल की फजीलत बताने वाला, बशारत देने वाला, तौहीद की और ईमान अमल साले की बशारत देने वाला, और शिर्क और मासियत के अंजाम से डराने वाला बनाकर भेजा है। क्यों, ले अल्लाह यकून लिल्नास, ताकि अल्लाह के खिलाफ लोगों के लिए हुज्जत कायम करने का मौका रहे। आदमी अल्लाह के खिलाफ हुज्जत कायम न करे, कट हुज्जती न करे, दलीलबाजी न करे, जुबान दराजी न करे कि हमारे पास कोई नहीं आया, आप ये उज्र न पेश कर सके। इसलिए अल्लाह ताला ने इतमाम हुज्जत इसी को करते हैं, अपनी दलील को मुकम्मल करना, ताकि हमारे मुखालिफ को हमारे लिए कोई हम पर एतराज़ करने का कोई, हमने बता दिया था, अब आप हमको इल्ज़ाम नहीं दे सकते। तो हमने आपकी हिदायत के लिए रसूल भेज दिया है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई नहीं आया। और हर ज़माने में जो उलमाए हक हैं, किताब व सुन्नत के उलमा, ये नबियों के वारिस हैं जो आपको, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं जो आपको इल्म शरीयत से आगाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
और थोड़ा सा वक्त और रह गया है, तो एक आयत और आपके सामने पढ़ लेते हैं, बल्कि आयत का टुकड़ा है, ये तीसरी आयत है जो इस बाब में बयान की है इमाम साहब ने। पहली आयत सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंस को नहीं पैदा किया मगर अपनी सिर्फ अपनी बात अपनी तौहीद। दूसरी आयत थी सूरह नहल की आयत नंबर 36, वमा वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन तहक़ीक़, के हमने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल भेजा ताकि वो तुमको हुक्म दे अन इबदुल्लाह, के अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह के अलावा की बंदगी से दूर भागो। और ये तीसरी आयत है जो सूरह इसरा की आयत नंबर 23वीं आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसान, तेरे रब ने फैसला कर दिया, कज़ा माने फैसला, कज़ा के माने यहाँ पर अमारा, हुक्म दिया है तेरे रब, किसको खिताब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बुका, रब्बुकुम होता तो सबको खिताब, कुम जमा के लिए आता प्लुरल, और रब्बका ये वाहिद है सिंगुलर, इसे कोई अगर आपके सामने एक आदमी हो तो रब्बुका, दो हो तो रब्बुकुमा, और कई लोग हो तो रब्बुकुम, का कुमा कुम, और औरत के लिए के कुमा कुन्ना, बहरहाल रब्बुका तेरे रब ने खिताब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब नहीं है, उनका भी रब वो अल्लाह है जो हम सब का रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहान का रब है, इसमें जानदार बेजान अंबिया औलिया इंसान जिन फरिश्ते सब पूरी कायनात का रब, रब सिर्फ अल्लाह, बाकी सब मरबूब है, जिसको पैदा किया गया, जिसको रोजी दी जा रही है, जिसको जिलाया और मौत से हमकिनार किया जा रहा है, करने वाला को रब है अल्लाह, वो रब है हम मरबूब, जिसको पैदा किया जाए जिसको रोजी दी जाए, अल्लाह खालिक है हम मखलूक, अल्लाह आबिद अल्लाह माबूद है हम आबिद। चलो वक़ज़ा रब्बुका, ऐ नबी आपके रब ने ये फैसला फरमाया, ये हुक्म फरमाया, और कज़ा का माने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बड़े जलील क़द्र शागिर्द थे अल्लामा मुजाहिद, मुजाहिद इब्न जबर अल मक्की, इमामुल मुफस्सिरीन थे, तफसीर में बड़ा ऊँचा मुकाम, बड़े आलिम जबरदस्त आलिम थे तफसीर, वो कहते हैं कि कज़ा के माने वसा, वसीयत किया है अल्लाह, वसीयत कहते हैं पुख्ता साबित ताकीदी, ये इंतहाई अटल हकीकत है, सच्ची हकीकत है, साबित बात है, पुख्ता बात, और इसको वसीयत ताकीदी हुक्म समझो, क्योंकि वसीयत आदमी अपने करीब तरीन आदमी को किसी अहम चीज की करता है, देखो मैं तुमको वसीयत कर रहा हूँ, ताकीदी तौर पर ये कह रहा हूँ, नफा की चीज, इसको गांठ बांध लो, गिरा बांध लो इसको, वक़ज़ा रब्बुक, अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे रब ने वसीयत किया है नबी, उसके बाद खिताम आम है, क्योंकि नबी जो होते हैं या रसूल जो होते हैं वो अपने पूरी उम्मत के ज़ईम होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, लीडर होते हैं, जैसे कोई लीडर अपनी कौम का जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से वह नबी को खिताब करना पूरी उम्मत को खिताब करना है। तो कहा गया अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, ये कि न बंदगी करो मगर उसी की, ला ताबुदु ला इलाहा इल्ला इय्याहु ए इल्लल्लाह, मगर उसी की, ला ताबुदु हुआ नफी इल्ला इय्याह हुआ इस बात, मगर उसी की, ठीक वही कलमा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हुआ कि ना बंदगी करो मगर उसी, ला इलाहा कोई बंदगी के लायक नहीं, इल्ला इय्याह मगर, गोया हमारी और जिन तमाम मखलूक की पैदाइश की गर्ज़ वगैरह एक अल्लाह की, तमाम अंबिया के भेजे जाने की बुनियादी गर्ज़ वगैरह अल्लाह की, शरीयत अलग अलग नहीं, सब अहकाम शरीयत के अलग अलग रहे लेकिन अल्लाह की तौहीद में तमाम अंबिया मुत्तस, इसलिए वो आयत लेकर, यह तीसरी आयत है कि तुम्हारे रब का हुक्म है, तुम्हारे रब की वसीयत है कि तुम लोग बंदगी न करो मगर उसी की, बात वाजे हो चुकी है हमारे हमारे सामने। और उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और वालदैन के साथ एहसान, वालिदैन के साथ माँ बाप के साथ जो तुम्हारी पैदाइश का जरिया है, डायरेक्ट जरिया है माँ और बाप, और इसके अंदर दादा दादी भी दाखिल है, नाना नानी भी दाखिल है, लेकिन जो डायरेक्ट है बाप माँ उसका हक दादा दादी नाना नानी के मुकाबले ज्यादा, तो वालिद या वालिदैन कहते हैं माँ और बाप को। अपने वालिदैन के साथ एहसान, एहसाना ताकीद है, फिर यहां महदूद है अंतो से वालिदैन, वालिदैन के साथ एहसान करो, खूब ज्यादा एहसान, नेकी से पेश आओ,
नेकी से पूछो, ये माना है वालदैन के साथ ऐसा, उनकी तकरीम करो, उनकी जिंदगी में आओ उनकी मौत के बाद, के लिए दुआए मगफिरत, उनके दोस्तों की तकरीम करो। अगर किसी से कोई वादा किया था वालिद ने, वालिद के वफात के बाद उस वादे को पूरा, उनके हक में दुआए रहमत और मगफिरत, जैसा कि इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने हम पर रहम किया था जब हमको पाला पोसा, हमारी तरबियत की थी बचपन में, हमारी तकलीफों पर सब्र किया था। अब फिर खुसूसियत के साथ माँ बाप जब खिदमत के हमारे मोहताज होते हैं, जो बुढ़ापे का आलम होता है, उसका जिक्र लगा, क्योंकि जब तक माँ बाप सेहतमंद है उनको खिदमत की जरूरत नहीं है, वो कमा खटा रहे हैं, औलाद को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तब तो माँ बाप की जरूरत रहती है। लेकिन जब वो बूढ़े बूढ़ी हो जाए, अब बेकार हो जाए, मुअत्तल हो जाए घर में बैठे, तो आदमी कोई समझता है कि अब इसमें फायदा क्या, और उसकी तकलीफ पर सब्र नहीं करता है। जबकि एक माँ बाप कई औलाद को परवरिश करते हैं, पालते हैं, तकलीफ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बचपन याद दिलाया है, जिस तरीके से तुमको तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तकलीफ सह कर पाला पोसा और कोई जीक और तंगी महसूस नहीं की, तुम भी उसी तरीके से उनकी खिदमत करो, उनके लिए दुआएं मांगो, वो भी वालिदैन के साथ। तो वालिदैन के साथ एहसान का जिक्र अल्लाह ने अपने खालिस हक के बाद फरमाया। अल्लाह का खालिस हक जो पहला हक हम पर है, जिसके लिए हम पैदा किए गए कि अल्लाह की खालिस बंदगी, और उसके बाद वालिदैन ही का जिक्र, क्योंकि अगर रब अकबर अल्लाह है, अगर नहीं अल्लाह रब अकबर है, अगर अल्लाह रब अकबर नहीं है, ये जुमले से मैं फिरता हूँ, वापस होता हूँ, अपने कौल से पलटता हूँ, अल्लाह रब अकबर है और वालदैन हमारे रब असल है, पाला पोसा है, उन्हें खिलाया पिलाया, हमारे लिए तकलीफें बर्दाश्त, जो भी एक माँ बाप करता है, मोहताज बयान नहीं है ये बात। रब हकीकी अल्लाह है, रब मजाजी ये अल्लाह ताला ने फौरन ही, अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद तौहीद का जिक्र करने के बाद, ये खालिस बंदगी का जिक्र करने के बाद, जो हमारी आपकी पैदाइश और अंबिया और रसूल के भेजे जाने की गर्ज वायत है, उसके मान बाद वालदैन का जिक्र किया। तो अगर कोई कहे, और ये बात सही है कि मखलूक में सबसे बड़ा दर्जा हमारे वालदैन का है, तो मखलूक से मुराद होगा रिश्तेदारों में, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक है, वो रब नहीं, वो अल्लाह नहीं है, वो माबूद नहीं, वो भी उसी अल्लाह की बंदगी करते थे जिसकी दावत उन्होंने हमको दी कि अल्लाह की बंदगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला के बाद वालदैन का जिक्र है, ये एक सवाल होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए, नबी सल्लम भी तो मखलूक है, आप कहते हैं मखलूक में सबसे बड़ा दर्जा वालदैन का है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो मखलूक है, नबी है, रसूल है, लेकिन है तो मखलूक ही, खालिक तो सबका अल्लाह है, वो भी आबिद ही है, माबूद तो सबका अल्लाह है, उनका भी अल्लाह माबूद है, हमारा भी माबूद अल्लाह ही है, वो भी अल्लाह ही की बंदगी करते थे, हम जिस अल्लाह की बंदगी हम करते हैं या जिसकी दावत उन्होंने हमको, तो हम ये उसका जवाब ये देंगे कि अल्लाह के हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। इसे जब कहा जाए कि अल्लाह का हक अदा करो, तो उसमें रसूल का भी हक दाखिल है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए खालिस बंदगी जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं करेंगे, वो बंदगी खालिस या बंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं। किसी भी बंदगी के लिए यही दो शर्त है कि सिर्फ अल्लाह के लिए हो, किसी को उसमें शरीक न किया जाए, और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके। इसलिए अल्लाह का हक जो है तौहीद, वो मुकम्मल होगा कब, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। तो अल्लाह का हक शामिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हक के रिसालत, और उसके बाद जो हमारे रिश्तेदारान है, उसमें सबसे बड़ा जो हमसे करीबी रिश्ता है किसका है, माँ बाप, और हमारी जरूरियत में औलाद में हमारे बेटे बेटियों का सबसे ज्यादा हक हमसे, हम किसी की ब्रांच है, कोई हमारी ब्रांच है, हम अपनी औलाद के लिए जड़ हैं, जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमारे लिए जड़ हैं, हम उनकी शाख। तो फरमाया गया कि वालदैन के साथ ऐसा, और कई आयते हैं कुरान मजीद में इसी वक्त, अनिशकुरी वले वालिदैन, मेरी शुक्रगुजारी करो अल्लाह कहता है, और अपने माँ बाप अपने माँ बाप की मुख्तलिफ मकावत पर आया, और हदीसों में इसकी बड़ी तरगीब भी आई, जैसा कि आप सभी जानते हैं वालदैन की इताअत की बहुत सारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अफजल अमल किया तो तौहीद, उसके बाद क्या किया, कौन सा अमल किया, नमाज अव्वल वक्त पढ़ा, कहा गया यार सला, उसके बाद कौन कहा अपने माँ बाप के साथ नेकी करना, भलाई से पेश आना। रावी कहते हैं कि अगर मैं कुछ और ज्यादा आपसे पूछता तो और ज्यादा इल्म बता। एक मौके पर आपने फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस सही है, कि जानते हो बड़े गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह क्या है,
फिर लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल भी जानते जानते हैं। आपने कहा कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और उसके बाद फरमाया कि वालिदैन की नफरत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है सही है इनके अंदर सबसे ज़्यादा हुस्न सोहबत और खिदमत का और अच्छाई से पेश आने का अदाव हमारा कौन है। कहा कि तुम्हारी माँ। फिर कौन? कहा फिर तुम्हारी माँ। कहा कौन? तीसरी मरतबा भी फरमाया तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा में कहा फिर कौन? तो कहा तुम बड़ा होगा। अबू दाऊद सुनन वक़ार तिरमिज़ी में रवायत है कि अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी चाहते हो तो माँ बाप को राज़ी, अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी। बहुत सी हदीसें। बहरहाल इताअत अल्लाह की खिलाफ वर्जी में नहीं होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की खिलाफ वर्जी के लिए अगर माँ बाप कहें तो किसी मखलूक की इताअत माँ बाप ही क्यों ना। लेकिन हाँ, अगर शरीयत के मुताबिक हुक्म देते हैं या ऐसा हुक्म देते हैं जिसमें शरीयत की कोई मुखालफत नहीं है तो हमको हम पर वाजिब है कि हम इताअत करें। उनका इन्हीं तीन आयतों के मुख्तसर से दर्स पर मैं आज के दर्स को यहीं स्टॉप करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वक्त भी जो मुकर्रर है 40 मिनट का वो भी मुकम्मल होने को है। हाज़ा व बिललाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही। لا إله إلا الله ये درس ختم ہو گیا جزاك الله خيرا شيخ मिट्टी खत्म करें। जी चलिए अस्सलाम वालेकुम।